हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी मोटर को कॉमन तार को चेक कीजिएगा। ये हमने एक कूलर की मोटर ली है और इसमें हम देखेंगे कि एक तार लाल, काला और एक तार पीला है। अब हम इसको सीरीज से चेक करेंगे और देखेंगे कि किस तार से दोनों तार बराबर जल रही है। हम देखते हैं कि लाल वाली तार से पीली तार और काली तार दोनों बराबर जल रही है और दोनों पीला और काले तार को चेक करने पर सीरीज बॉल जल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाल तार कॉमन है। अब इसको चेक करने के लिए हम कंडेंसर लगाकर चेक करेंगे। ये हमने 315 का कंडेंसर ले लिया और इसे पीले तार और काले तार में जोड़ेंगे। अब इसको हम चलाते हैं। सही से रोटेशन देखने के लिए हम इसमें पहले टेप लगा लेते हैं ताकि उल्टा सीधा अच्छी तरह से नज़र आ सके। अब हम इसे दोनों तरफ से चलाकर चेक करेंगे। इसे दोनों तरफ से आराम से चलना चाहिए, फॉरवर्ड और रिसॉप दोनों तरफ से। इसमें हम देखते हैं कि पीला तार सीधा रोटेशन में है, इसलिए हम काले तार पर टेप मार देंगे। अब ये हमारा मेन लाइन जोड़ सकते हैं इसमें न्यूट्रल और फेस। इसी तरह हम सीलिंग फैन को भी चेक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।